आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप अपने YouTube चैनल में टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किस प्रकार करेंगे। अगर आप यूट्यूबर है, आपका एक YouTube चैनल है, तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन क्यों करना है, आज मैं आपके इसके दो कारण बताता हूं। पहला कारण है कि आपका मोनेटाइज नहीं होगा। जब तक आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल नहीं करेंगे, आपका मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरा कारण है कि आपका यूट्यूब चैनल हैक नहीं होगा, क्योंकि जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसमें OTP द्वारा लॉगिन होगा। तो किस तरह से आप अपना YouTube चैनल में टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करेंगे, आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर में देखे लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको सीधे क्या करना है, आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये रहा जीमेल एप्लीकेशन, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने में यहाँ पे लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो यहाँ पे शो होगा, और जिस भी ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरा इस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल है तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब दोबारा से लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोगो दिखा दे रहा है, लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे देखे एक ऑप्शन है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका गूगल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ गूगल अकाउंट, और यहाँ पे देखे होम है, यहाँ पे पर्सनल इन्फो है, उसके बाद उसके बगल में देखे यहाँ लिखा हुआ है डाटा एंड प्राइवेसी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है सिक्योरिटी में, ये जो अगला जो ऑप्शन है सिक्योरिटी, इस पर आना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो अभी मेरा ऑफ है यानी डिसेबल है। एनेबल करने के लिए एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करना है और टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। पहला बेनिफिट है, इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाएगा, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट है कि आपका चैनल को कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इनेबल करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आपका YouTube चैनल है उसका नाम और ईमेल आईडी यहाँ पे है या नहीं, तो आप यहाँ पे मैच कर ले। अगर नहीं है तो एरो पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल आईडी चेंज कर ले। चेंज करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है यानी यूट्यूब चैनल, उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना है। यानी सीधी भाषा में कहें तो आप अपना यूट्यूब चैनल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर ले, या फिर किसी और कंट्री से है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे लाइन है, इसके ऊपर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल ले। उसके बाद नीचे देखे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका किस में कोड मंगाना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज में या फिर फोन कॉल में, तो बेस्ट होता है मैसेज में, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसमें OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है और नीचे से नेक्स्ट करना है। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद नीचे देखे यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद टर्न ऑन पे क्लिक कर दें। जैसे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, फिर से अगर टर्न ऑन का ऑप्शन आता है तो यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हैं, तो टर्न ऑन पे क्लिक कर दें। जैसे ऑन करेंगे आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। चलिए मैं वो बैक करता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखें मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे और उसके बाद नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन था वो यहाँ पे एनेबल हो जाएगा।